हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 3 का जो टॉपिक है वो है प्रबंध के सिद्धांत एवं तकनीकें। यानी कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उनके निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं। जैसे हम कहते हैं साइंस में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, इसी तरीके से प्रबंध के भी कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर प्रबंध किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि सिद्धांत मतलब क्या है, सिद्धांत का अर्थ क्या है, सिद्धांत किसे कहेंगे। तो सिद्धांत के अर्थ में हमने कहा किसी भी विषय के संबंध में, कोई भी सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम कोई रिसर्च करना चाहते हैं, तो किसी भी विषय के संबंध में पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर। यानी जब भी हम किसी चीज़ का नियम बनाने की कोशिश करते हैं तो हमको उसके पर्याप्त प्रमाण चाहिए, यानी क्यों वो एक नियम बनने के लिए तैयार है। तो पर्याप्त प्रमाण होने चाहिए, पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर एवं पर्याप्त तर्क वितर्क। यानी जब भी कोई नियम या सिद्धांत बनाया जाता है तो उसके लिए बहुत से जो प्रबंधक होते हैं या राइटर्स होते हैं उनमें आपस में तर्क वितर्क होता है, यानी आपस में सलाह मशवरा होता है या बातचीत होती है, उसके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि ये सिद्धांत बनने के योग्य है या नहीं। तो पर्याप्त तर्क वितर्क के आधार पर के पश्चात निश्चित किया गया मत या विचार, जो भी हमारा सब्जेक्ट है या विचार है, जो समय, यानी कोई भी सिद्धांत जो है वो तुरंत नहीं बन जाता, उसको बनाने में कुछ समय लगता है, तो पर्याप्त समय लगना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, जो भी नियम बनाने वाले लोग हैं उनमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, और निरीक्षण। कोई भी सिद्धांत जो है जब तक उसको चेक नहीं किया जाए तब तक वो सिद्धांत की कैटेगरी में नहीं आता। जैसे हम ये कहें कि साइंस के जो जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं उनमें ऑक्सीजन कैसे बनाई जाएगी, तो ऑक्सीजन को बना करके सिद्ध करके बताया जाता है। तो इसलिए अनुभव और निरीक्षण की कसौटी पर जो बिल्कुल खरा उतरता है, यानी जिसको पूरी तरह से सत्यापित करके देख लिया जाता है कि हाँ इसमें सारी जो क्वालिटी हैं वो हैं कि सिद्धांत बनने वाली हैं, तो वो सिद्धांत कहलाता है। तो ये तो था हमारा सिद्धांत का अर्थ। अब जो प्रबंध है उसके क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने अपने अलग अलग जो हैं सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। कुछ सिद्धांत किसी देशों में लागू होते हैं, किसी में लागू नहीं होते, क्योंकि जो सिद्धांत होते हैं वो देश की परिस्थिति के अनुसार, वहाँ के सामाजिक वातावरण के अनुसार, वहाँ के रहन सहन और खान पान के अनुसार चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो हेनरी फ्योल हैं इनके द्वारा जो 14 सिद्धांत दिए गए हैं प्रबंध के, ये 14 के 14 सिद्धांत ऐसे हैं जो किसी भी देश, किसी भी परिस्थिति और किसी भी समय पर उनको लागू किया जा सकता है। इसलिए पूरे विश्व में जो सर्वमान्य सिद्धांत हैं प्रबंध के, वो हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांत हैं जिन्हें हम किसी भी देश में आसानी से लागू कर सकते हैं। तो इनके द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों में से पहला सिद्धांत है कार्य का विभाजन। जब भी किसी भी व्यक्ति को किसी पद पर लगाया जाए तो उसको उस पद से संबंधित उसकी योग्यता होनी चाहिए और उससे संबंधित उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहते हैं ना आजकल जहाँ भी किसी भी पोस्ट पर अगर किसी रिक्वायरमेंट निकलती है या जो वैकेंसी निकलती हैं उनमें एक आ जाता है कि जो आपके एक्सपीरियंस पर्सन है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि फ्योल कहते हैं कि कार्य का विभाजन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति जिस कार्य में एक्सपर्ट है उसे वहाँ लगा दिया जाना चाहिए। तो ये जो सिद्धांत है ये विशिष्टीकरण का लाभ उठाने पर बल देता है। कैसे? कि अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर आकर के कार्य कर रहा है और अगर वो एक्सपर्ट है तो वो तेज़ी से कार्य करेगा, उसकी कार्यक्षमता ज़्यादा होगी। लेकिन अगर वो जो है अनएक्सपीरियंस व्यक्ति है या जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है कार्य का, तो वो कार्य को धीरे धीरे करेगा, तो वो काम को कम करेगा। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि अगर कोई भी संस्था विशिष्टीकरण का लाभ उठाना चाहती है तो उसको कार्य का विभाजन इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे कि जिस व्यक्ति में जो योग्यता हो उसे उस पद के ऊपर लगाया जाना चाहिए। सेकंड है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अब यहाँ हम ये कहेंगे अगर किसी व्यक्ति को कार्य सौंपा जा रहा है तो वो उसका उत्तरदायित्व है, और जब कार्य सौंपा जाता है तो उस कार्य को पूरा करने से संबंधित जो उसको अधिकार दिए जा रहे हैं वो उसके अधिकार हैं। तो यहाँ पर ये कहता है, ये सिद्धांत ये बताता है कि जिस व्यक्ति को जितना कार्य सौंपा जाए उसे उससे संबंधित अधिकार भी दिए जाने चाहिए ताकि वो कार्य करने में बाधा महसूस नहीं करे, परेशानी महसूस नहीं करे। क्यों? क्योंकि अगर कार्य ज़्यादा होगा और अधिकार कम होंगे
तो उसको समय समय पर अपने अधिकारी से पूछ पूछ के कार्य करना होगा। लेकिन अगर अधिकार ज़्यादा होंगे और कार्य कम होंगे तो वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगा। इसलिए ये कहा जाता है, ये सिद्धांत कहता है, अधिकार उत्तरदायित्व का सिद्धांत, कि जो अधिकार हैं और जो उत्तरदायित्व हैं उनमें समानता होनी चाहिए, यानी जितने उनको उत्तरदायित्व दिए जाएं उतने ही उनको अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। इसके बाद है थर्ड, अनुशासन। अनुशासन का मतलब है निरीक्षण प्रणाली उचित होनी चाहिए, यानी अधिकारी जब अपने अधीनस्थ लोगों का निरीक्षण कर रहा हो तो निरीक्षण करते समय अनुशासन का ध्यान रखा जाना चाहिए, यानी जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं किया, मतलब भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो लोगों ने किसी गलत कार्य को किया तो दो लोगों में से एक को कम दंड दे दिया गया, दूसरे को ज़्यादा दंड दे दिया गया। तो इसलिए ये सिद्धांत ये कहता है कि निरीक्षण प्रणाली अगर उचित होगी तो सही प्रकार से परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति को दंडित भी किया जा सकता है अगर उसने गलत कार्य किया है तो। इसके बाद आपके चौथा सिद्धांत है आदेश की एकता। आदेश की एकता सिद्धांत ये कहता है कि एक कार्य करने वाले व्यक्ति को एक ही अधिकारी के द्वारा आदेश मिलने चाहिए। अगर एक व्यक्ति को दो अधिकारियों के द्वारा आदेश मिलेंगे तो और उन दोनों अधिकारियों के आदेशों में भिन्नता होगी, दोनों अधिकारियों के आदेश अलग अलग होंगे तो कर्मचारी को कार्य करने में परेशानी होगी। तो इसलिए आदेश की एकता का सिद्धांत ये कहता है कि एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी के द्वारा आदेश दिए जाने चाहिए। इसके बाद है आपका निर्देशन की एकता। निर्देशन की एकता ये कहता है कि जब एक कार्य को करने के लिए 10 लोग एक साथ कार्य कर रहे हैं और 10 ही लोगों का कार्य जो है वो एक जैसा है, तो उन 10 लोगों को कार्य करने वाले 10 व्यक्तियों को एक ही अधिकारी के लिए द्वारा आदेश निर्देश दिए जाने चाहिए। यानी जो निर्देशन की एकता है वो ये कहती है कि समान कार्य करने वाले बहुत सारे कर्मचारियों को एक ही अधिकारी के द्वारा आदेश दिए जाने चाहिए। अब हम कहें आदेश की एकता और निर्देशन की एकता में अंतर क्या है, तो आदेश की एकता में कर्मचारी भी एक ही है और अधिकारी भी एक ही है, यानी एक ही कर्मचारी को एक ही अधिकारी के द्वारा आदेश दिए जाने चाहिए, जबकि निर्देशन की एकता में कर्मचारी बहुत सारे हैं जो एक जैसे कार्य कर रहे हैं लेकिन उनको आदेश देने वाला अधिकारी एक ही है। इसके बाद आपके है सिक्स सिद्धांत, जो है सामुदायिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी कार्य को करते समय मेरा अकेले का तो बहुत फायदा हो रहा है लेकिन बाकी सभी का नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर जो बाकी सब लोग काम कर रहे हैं उस कार्य को करने से बाकी लोगों का फायदा होता है लेकिन मेरा नुकसान हो रहा है, तो ये सिद्धांत ये कहता है किसी एक पर्सन के यानी एक व्यक्ति के फायदे के स्थान पर जो सामूहिक हित हैं यानी जिससे सब लोगों का भला हो रहा हो उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, किसी एक व्यक्ति को भला का भला हो रहा हो उसको प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। यानी सभी व्यक्तियों के भलाई के लिए अगर किसी एक व्यक्ति को अपने हित को त्यागना पड़े तो उसको अपने हितों का समर्पण कर देना चाहिए। इसके बाद सेवंथ है आपके सिद्धांत, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी व्यक्ति कार्य करता है उसको अगर उसके कार्य के अनुसार उसका वेतन दिया जाए तो वो कर्मचारी संतुष्ट रहता है और संतुष्ट होकर के वो बढ़िया से बढ़िया कार्य करता है। तो इसलिए कर्मचारियों का पारिश्रमिक सिद्धांत ये कहता है कि जिस व्यक्ति से जितना कार्य कराया जाए उसको उसकी संतुष्टि के आधार पर उतना पारिश्रमिक प्रदान किया जाना चाहिए। अगर हम उसके अनुसार उसको पारिश्रमिक प्रदान कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी जो है वो अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करेगा। इसके बाद है आपके आठवां है केंद्रीकरण। देखिए ये सिद्धांत ये कहता है, इसमें दो चीज़ें हैं, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। पहले हम ये समझें केंद्रीकरण क्या है। केंद्रीकरण का मतलब है जब बहुत सारे अधिकार केवल आपको, मैं ये बार बार बताती आ रही हूँ कि इस लेवल पर प्रबंधक कार्य करते हैं तो ये जो तीन स्तर हैं इसमें ज़्यादातर अधिकार अगर फर्स्ट लेवल प्रबंधक के पास ही इकट्ठे हो जाएं तो ये तो कहलाएगा केंद्रीकरण, यानी सर्वोच्च जो अधिकारी है उसके पास काम करने के ज़्यादातर अधिकार हैं तो ये कहलाता है केंद्रीकरण। लेकिन जब यही अधिकार नीचे वाले लोगों को बांट दिए जाएं, यानी कुछ अधिकार ऊपर के लेवल पर हों और कुछ अधिकार नीचे के लेवल पर उनको बांट दिया जाए तो ये कहलाता है आपका विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण यानी केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत क्या कह रहा है कि
कि केंद्रीकरण वहाँ होना चाहिए जहाँ पर जो व्यवसाय है वो छोटा हो, क्योंकि छोटे व्यवसाय में कम लोगों को कमांड करना या कम लोगों को आदेश निर्देश देना एक अधिकारी के द्वारा संभव होता है। इसलिए जब जो व्यवसाय है या कंपनी है वो छोटी होती है तो वहाँ पर अधिकारों का केंद्रीकरण पाया जाता है। लेकिन अगर कंपनी जो है वो बहुत बड़ी है जहाँ पर हज़ारों वर्कर्स एक साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर केंद्रीकरण की स्थिति नहीं पाई जाएगी, वहाँ पर जो अधिकार है वो नीचे के स्तर बांटे जाएंगे तभी कार्य बढ़िया होगा, तो इसके लिए विकेंद्रीकरण की स्थिति होगी। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि अगर व्यवसाय का आकार छोटा हो तो केंद्रीकरण होना चाहिए, लेकिन अगर व्यवसाय का आकार बड़ा हो तो विकेंद्रीकरण की स्थिति होनी चाहिए। 14 में से हमने ये 8 सिद्धांत आपको आज पढ़े हैं, बाकी अगले जो सिद्धांत हैं वो हम उनको कल पढ़ेंगे।